आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में जिस किस्म की हरकतें अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने की हैं, उनके कोचेज ने, प्लेयर्स ने, उस पर उनके खिलाफ पाबंदी लगने का चांस बहुत बढ़ गया है। ये बैन अफगानिस्तान पर एज अ टीम होगा, टीम को जुर्माना होगा, या कुछ प्लेयर्स के ऊपर इंडिविजुअल बैन हो सकता है, इसकी तो मैच रेफरी ही इसका डिसीजन करेंगे। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन पैदा होने जा रही है। और ये क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उन्होंने इस मैच में कुछ इस तरह के ब्लंडर्स मारे हैं जिनकी वजह से बैन हो सकता है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। कौन से आईसीसी के रूल हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ एक्शन होगा, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, आईसीसी के रूल्स बड़े क्लियर हैं कि आप किसी भी मैच में कोई फेक फील्डिंग, कोई फेक इंजरी का बहाना या कोई भी इस तरह की फेक चीज नहीं कर सकते। अगर आप कोई फेक चीज करेंगे तो ये चीटिंग की कैटेगरी में आएगा, और अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप का बैन लगना आपके ऊपर तय है। अब हुआ क्या है कि जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा था, बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही थी, बारिश आने लगी है, तो उस वक्त एक गेंद के ऊपर बांग्लादेश को डीएल के मुताबिक 2 रन की जरूरत थी, और वहां पे अगर वो बॉल हो जाता और बांग्लादेश का बैट्समैन वहां पे डबल ले लेता, बाउंड्री लगा देता, तो बांग्लादेश डीएल पे वो मैच जीत सकता था। अब ये खतरा था, तो उस वक्त फिर जो अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम से वहां से जो उनके हेड कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, वो एक सिग्नल करते हैं, और वो सिग्नल से क्लियर नजर आ रहा है कि वो ये सिग्नल कर रहे हैं कि मैच को रुकवा दो, मैच को रोक दो, मैच कंटिन्यू ना करवाओ, 2 रन की जरूरत है। वो उनकी फिंगर्स के जरिए से 2 का इशारा कर रहे थे, यानी 2 रन की जरूरत है और अगर ये आप बॉल करोगे तो हम मैच हार सकते हैं। तो एकदम से क्या होता है कि कीपर के पीछे जो गुलबदीन नायब होते हैं वो वहां पे गिर जाते हैं, और वहां पे वो अपना थाई की जो कुछ स्ट्रेस का कोई बहाना बना के, कोई फ्रैक्चर का बहाना बना के लेट जाते हैं, और उस वजह से टाइम जाया होता है। तो ये जो चीज की गई, ये डेलिब्रेटली उसको डील करने के लिए की गई। और फिर हमने देखा कि कुछ देर के बाद गुलबदीन नायब वापस आए जब मैच शुरू हुआ, और वो बिल्कुल फिटफाट थे, उन्होंने बॉलिंग भी की, सब कुछ किया, और जो कमेंट्री पे साइमन डोर मौजूद थे उन्होंने भी इसको क्लियर कट आवाज में ड्रामा कहा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो गुलबदीन नायब ने किया ये ड्रामा है, कोई बाहर उन्हें इंजरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, एकदम से अचानक से वो गिर जाते हैं। ऐसा तो हार्ट अटैक का पेशेंट भी अचानक से नहीं गिरता जैसे वो गिरे हैं। और इयन स्मिथ ने भी वहां पे इसको ठीक ठाक विजित किया गुलबदीन नायब की इस हरकत को, और ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की भी खिलाफ वर्जी है। वो तो खैर अफगानी प्लेयर से हमने कभी भी उम्मीद की भी नहीं है कि वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाएंगे। वो गेम के लिए बहुत पैशनेट है, इसमें कोई शुबा नहीं है, उन्हें होना भी चाहिए, बट वो इस हद तक पैशनेट हो जाते हैं कि वो आगे अपने सामने आने वाले लोगों के साथ बदतमीजियां करना शुरू हो जाते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की लिमिटेशन को क्रॉस कर जाते हैं। ये चीज ही नहीं होनी चाहिए। आपका गेम के लिए पैशन हो, जज्बा हो, जीतने की लगन, सब कुछ हो, बट स्टिल कुछ लिमिटेशन, कुछ बाउंड्रीज में रह के आपको ये चीजें करनी चाहिए। तो अब आईसीसी जो है, चूंकि उनके पास ये विजुअल एविडेंस अवेलेबल है, जोनाथन ट्रॉट का एविडेंस भी अवेलेबल है, उनके पास गुलबदीन नायब का एविडेंस भी अवेलेबल है, जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं पीछे से ड्रेसिंग रूम से उनका भी अवेलेबल है, उस इंस्ट्रक्शंस पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गुलबदीन नायब ने, उसका एविडेंस भी अवेलेबल है। तो अब मैच रेफरी जो है, अब 2 चीजें हैं। अगर तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस पर अपील करता है तो फिर बहुत सख्त सजाएं मिलेगी अफगानिस्तान के प्लेयर्स को। लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपील नहीं करता, जैसे पाकिस्तान ने डिकॉक के खिलाफ अपील नहीं की थी, और मैच रेफरी खुद ही एक्शन लेते हैं, तो फिर सजा निस्तन कम मिलती है। क्योंकि अगर आईसीसी खुद एक्शन लेती है तो फिर वो जो मिनिमम सजाएं होती हैं वो देते हैं, लेकिन अगर सेकंड पार्टी अपील करती है तो फिर, चूंकि वो इसमें क्लाइंट होते हैं, तो फिर वो मैक्सिमम सजा दिलवाते हैं, क्योंकि फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सजा दिलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर उनके उनकी मर्जी के बगैर रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती। तो बांग्लादेश भी ऐसे ही है, वो मेरा ख्याल है छोड़ेंगे तो नहीं इस बात पे, वो अपील करेंगे। वो तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रन आउट ले लिया था, टाइम आउट ले लिया था, तो इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लगता यही है कि वो भी अपील करेंगे, और अगर उन्होंने अपील की तो फिर अफगानिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने जा रहा है।